संक्रांति का त्यौहार यूं तो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन बिहार में मकर संक्रांति का एक अलग ही महत्व होता है। मकर संक्रांति के दौरान बिहार में तिलकुट भरने की परंपरा है और इस दौरान माता के द्वारा अपने पुत्रों को तिल, गुड़ और चावल देकर उनसे वचन लेने की भी परंपरा है। वहीं मकर संक्रांति को लेकर पटना के बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। तो बाजारों में तिलकुट की दुकानें सजकर तैयार है और मकर संक्रांति के मौके पर बाजारों में खरीदारी हो रही है जमकर। लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। एक अलग ही रौनक मकर संक्रांति के मौके पर दिखाई देती है। तिलकुट के लड्डू की अगर हम बात करें, तमाम तरह के लड्डू, खोए से बने हुए लड्डू, ये तमाम जो लड्डू हैं मकर संक्रांति के मौके पर आप देखेंगे बाजारों में मिलते हैं और जिनकी खरीदारी लोग कर रहे हैं। मकर संक्रांति को लेकर खासा उत्साह बिहार में दिखाई दे रहा है, जहां बाजारों में खरीदारों की भीड़ है। वहीं पटना से सनी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सनी, मकर संक्रांति के मौके पर एक अलग ही रौनक दिखाई देती है, फिलहाल पटना के बाजारों में क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, पटना के बाजारों में भी रौनक है और सुबह से ही लोग तिलकुट के दुकान पर पहुंच रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, देखिए कितनी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और अलग अलग वैरायटी के जो तिलकुट हैं वो लोग खरीद रहे हैं। चाहे काली तिल की बात करें या इसके अलावा बादाम के तिलकुट की बात करें, तो तमाम तरह के जो तिलकुट हैं यहाँ उपलब्ध हैं। और आज सुबह से ही इतनी ठंड के बावजूद भी लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं और तिलकुट की बिक्री जमकर हो रही है। जानने की कोशिश करते हैं क्या रेट है। हाँ सर बताइए, रेट क्या है तिलकुट का? आपको चीनी वाला 320 रुपये किलो है, गुड़ वाला 340 रुपये, खोवा वाला 500 रुपये है और बाकी प्रोडक्ट है तीसी का लड्डू है, काला तिल का लड्डू है, सफ़ेद तिल का लड्डू है, तिल पापड़ी है काला वाला, उजला वाला तिल पापड़ी है, शुगर फ्री तिलकुट है, खोवा वाला तिलकुट है, गुड़ वाला, चीनी वाला में, और मस्का है। ज़्यादातर लोग कौन सा तिलकुट पसंद कर रहे हैं? ज़्यादातर यहाँ सर अभी 80% ग्राहक गुड़ वाला तिलकुट पसंद करते हैं। गुड़ वाला तिलकुट काफ़ी फायदेमंद भी होता है। गुड़ वाला तिलकुट जिससे ज़्यादा अब शुगर पेशेंट लोग हो गए हैं ना, गुड़ वाला तिलकुट चीनी वाला से बेहतर लगता है, टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है, इसलिए गुड़ वाला तिलकुट ज़्यादा पसंद करते हैं। ठंड काफ़ी है, मार्केट कैसा है? मार्केट ठीक ठाक है, डिमांड अच्छा है। अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए मेकिंग प्रोसेस अंदर में चल रहा है और यहाँ पे जो कारीगर हैं वो लगातार तिलकुट बनाने का यहाँ पे जो है काम कर रहे हैं। सिलसिला पिछले एक सप्ताह से जारी है और आज भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। जब तक मकर संक्रांति खत्म नहीं हो जाता है तब तक जो है तिलकुट की जो डिमांड है वो लगातार रहती है, इसके बाद भी डिमांड लोगों की रहती है। तो अलग अलग वेराइटी के हैं, लगभग दर्जन भर वेराइटी यहाँ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं इसके ज़रिए जो आज मकर संक्रांति का त्यौहार लोग मनाएंगे, तिलकुट का काफ़ी महत्व है, काली तिल का काफ़ी महत्व है। जानने की कोशिश करेंगे कि आप मेकिंग प्रोसेस है कैसे बनाया जाता है। अरे सने बोले आइए, पहले तिल, पहले चीनी को चाशनी में डाला जाता है, फिर चीनी गल गया, फिर चीनी गला के यहाँ आता है, यहाँ से उसको जमावा जाता है, जम जाता है, फिर वहाँ कुटी पर जाता है, कुटी पर गला पर उसको साफ़ किया जाता है, साफ़ कैला के बाद वहाँ काट करके वहाँ घुलावा जाता है तिल में, फिर तिल में घुला करके यहाँ मिला करके गुलैया काट करके यहाँ फेंकता है, यहाँ फेंकना जाता है, फिर हम लोग फ्लोरा से तिलकुट बनाते हैं। ये मेकिंग प्रोसेस है। कितना समय लगता होगा? समय क्या लगेगा, वो जो भी घानी वहाँ हो ही ले उतना देर में, यहाँ आधा घंटा में कुटा देना चाहिए, आधा घंटा 45 मिनट में हाँ कुटा देना चाहिए। हर साल की अपेक्षा कैसी डिमांड है? हर साल डिमांड कैसी है, कितना बिक्री, ठीक ठाक बिक्री? एक नंबर बिक्री, एक नंबर है। तो जो बिक्री है हर साल की अपेक्षा इस बार भी ठीक ठाक है। और इस तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ चाशनी जो है वो तैयार किया जा रहा है और इसके बाद अंदर ले जाया जाता है जहाँ पे इसकी मेकिंग प्रोसेस होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चाशनी का है, यहाँ पे चीनी और गुड़ दोनों तरह के चाशनी बनाए जाते हैं और जो है यहाँ तिल को भूंजा जा रहा है, इसके बाद जो है मेकिंग प्रोसेस की शुरुआत होती है। और कहीं ना कहीं आज का दिन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो तिलकुट का महत्व है वो काफ़ी होता है और गुड़ वाले तिलकुट को जो लोग हैं काफ़ी पसंद कर रहे हैं, इसलिए कि जो शुगर पेशेंट है उनके लिए भी फायदेमंद है और ठंड में गुड़ भी काफ़ी फायदेमंद होता है। तो ऐसे में जो है दुकानों पर काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, काफ़ी रौनक है, ठंड के बावजूद भी लोग घरों से निकलकर और तिलकुट की जमकर खरीदारी कर रहे हैं।
बिल्कुल सनी, देखिए मकर संक्रांति का अपना एक अलग महत्व होता है, लोग स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और साथ ही एक परंपरा रही है कि आज के दिन जो है चूड़ा और दही भी लोग खाते हैं और साथ ही अपने पुत्र को जो माताएं हैं वो तिलकुट देती हैं, उनसे वचन लेती है। तो ऐसे में क्या आज भी उसी परंपरा को निभाने की जो दौड़ है वो दिखाई देती है, चूंकि कहीं ना कहीं दौड़ती भागती जिंदगी में लोगों के पास समय नहीं है लेकिन परंपराएं अभी भी निभाई जाती है। अगर कोई वहां पर खरीदार मौजूद है जो खरीदारी कर रहा है तिलकुट की, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि आज वो किस तरीके से मकर संक्रांति मनाएंगे। जी बिल्कुल, जो परंपराएं हैं वो लगातार कई वर्षों से चलती आ रही हैं, जो खरीदार हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार कैसे आज मना रहे हैं? बहुत अच्छा मना रहे हैं, खरीदारी हो रही है। जी बहुत अच्छा, काफ़ी महत्व है, तिल भी भरा जाता है, माताएं तिल भरती हैं, तो क्या हो गया सब प्रोसेस? हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है जी। तिल खरीदने, तिल खरीदने आए हैं, गुड़ वाला, गुड़ वाला जी, गुड़ वाला सब, बहुत बाजार अच्छे हैं, वैरायटी अच्छा लग रहा है, ये दुकान प्रसिद्ध है, सब लोग लेने आ रहे हैं जी। जो खरीदार हैं वो सुबह के समय में अभी जो है तिलकुट खरीदेंगे, इसके बाद घर पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं घर जाने के बाद जो प्रोसेस है, जो परंपराएं हैं वो लंबे समय से चलती आ रही है, उसे वो पूरा करेंगे। माताएं जो हैं वो तिल भरेंगी और कहीं ना कहीं गुड़ वाली जो तिल है उसकी डिमांड पटना के जो मार्केट में वो ज़्यादा है। बिल्कुल सनी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया, जो कि आज बाजारों में खास रौनक दिखाई दे रही है। तो पटना सिटी में भी मकर संक्रांति को लेकर बाजारों में तिलकुट के बाजार सज गए हैं। भगत सिंह चौक समेत पटना सिटी के बाजारों में इन दिनों तिलकुट ही तिलकुट दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी में दूर दूर से आए तिलकुट कारीगर तिलकुट बनाने में जुट जाते हैं और वहीं इन दिनों कारीगरों की ओर से एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट तिलकुट बनाए जा रहे हैं। का जो है कि गढ़ा कचर कटता भी है, स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है और गुड़ की सबसे खासियत है गुड़ की बनती है, वो गर्म करता है, ये खाने से बहुत फायदा होता है, बीमारी वाली जो है इसमें नहीं होता है, इसमें कंकड़ पतल बिल्कुल नहीं। काला तिल खरीदने से गढ़ा कटता है और शरीर के लिए लाभदायक है, काला तिल पूजा में महत्व माना जाता है। कारण है कि जाके काला तिल का, कि काला तिल खाने से ग्रह गोचर कटता है और शरीर के फायदेमंद के लिए भी आता है काला तिल को। सहरसा में भी मकर संक्रांति को लेकर तिलकुट का बाजार सज चुका है। यहां गया और भागलपुर से आए हुए कारीगर एक से बढ़कर एक तिलकुट बना रहे हैं, साथ ही भागलपुर के कतरनी चूरा की भी डिमांड बढ़ गई है। वहीं बाजारों में खरीदारों की भीड़ देखी जा रही है। हमारे यहाँ मकर संक्रांति में चूड़ा दही और तिलकुट खाते हैं और प्रसाद भी चढ़ाते हैं, उसी की तैयारी कर रहे हैं। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है पर पर्व तो मनाना है, इसलिए शक्कर वाला भी है और चीनी वाला भी है, दोनों ले रहे हैं। मैं मुंबई से आया हूँ और वहाँ पर जो मेरी फैमिली है, दोस्त हैं, उनके लिए मैं तिलकुट यहाँ से खरीद कर ले जा रहा हूँ, क्योंकि यह तिलकुट बहुत अच्छा बनाते हैं, इस वजह से मुझे पसंद आता है, इसलिए मैं जब भी आता हूँ तो इन्हीं से ले जाता हूँ। स्वादिष्ट होता है। हम सब गया से आए हैं, 10-12 कारीगर आए हैं यहाँ पे, तो एक मेरे 45 दिन टोटल काम चल जाता है यहाँ पे नमसम।